दोस्तों साल 2016 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 20,000 करोड़ से लेकर 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज हो सकती हैं। लानिया किया सुपर क्लस्टर यानी कि वो सुपर क्लस्टर जिसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें भी 1 से 1.5 लाख गैलेक्सीज होने के अनुमान है। यहाँ तक कि हमारे लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज में ही 54 से लेकर 60 गैलेक्सीज प्रेजेंट है। इस असीम ब्रह्मांड में एक गैलेक्सी ऐसी भी है जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के पड़ोसी होने के साथ साथ हमारी सबसे बड़ी दुश्मन भी है। मतलब हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में ये मिल्की वे से टकराकर इसे पूरी तरह बर्बाद कर दे। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एंड्रोमेडा गैलेक्सी की, जो मिल्की वे के सबसे करीब वाली गैलेक्सी है। एक ऐसी गैलेक्सी जो हमेशा से ही काफी रहस्यमयी और खतरनाक समझी जाती है। एंड आई एम श्योर कि अब आपके दिमाग में ढेर सारे सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर इसको खोजा कैसे गया था, क्या यह हमारे मिल्की वे से बड़ी है और इसमें कितने स्टार्स और प्लैनेट्स हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या ये सच में हमारी मिल्की वे से टकरा कर इसे बर्बाद कर देगी। वेल, आपके दिमाग में चल रहे इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड। सन 964 ईस्वी में पर्सिया के एक एस्ट्रोनॉमर अब्दुल रहमान अल सूफी ने अपनी किताब द बुक ऑफ फिक्स्ड स्टार्स में एंड्रोमेडा गैलेक्सी को डिस्क्राइब करते हुए इसे नेब्युलस स्मियर यानी कि धुंध का बादल कहा। यह एंड्रोमेडा गैलेक्सी के ऑब्जर्वेशन का पहला रिटन प्रूफ था। सन 1764 में फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर चार्लिस मेसियर ने मेसियर ऑब्जेक्ट्स का कैटलॉग बनाते समय इसे मेसियर 31 या M31 नाम दिया। इसके बाद फेमस ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्सेल ने सन 1785 में एंड्रोमेडा गैलेक्सी के सेंटर में एक रेडिश येलो कलर का धब्बा देखा। अपने ऑब्जर्वेशन से उन्हें ये लगा कि ये एक नेबुला है और इसीलिए ये माना जाने लगा कि एंड्रोमेडा असल में मिल्की वे के सबसे पास वाला ग्रेट नेबुला है। हर्सेल ने यह भी कहा कि एंड्रोमेडा की डिस्टेंस हमारे पृथ्वी और सीरियस तारे के डिस्टेंस से कुछ 2000 गुना ही ज्यादा है, मतलब करीब 18,000 लाइट ईयर्स, जो कि बिल्कुल गलत ऑब्जर्वेशन था। उनके अनुसार तो एंड्रोमेडा मिल्की वे के अंदर ही प्रेजेंट था और अभी तक के ऑब्जर्वेशन से ये समझा जाता था कि ये कोई गैलेक्सी नहीं बल्कि एक नेबुला है। इसके बाद साल 1850 में इंग्लैंड के विलियम पार्सन्स ने अपने टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशन से एंड्रोमेडा के स्पाइरल स्ट्रक्चर को पहली बार ड्रॉ किया। 1864 में इंग्लैंड के एक और एस्ट्रोनॉमर विलियम हगिन्स ने अपनी स्टडीज में ऑब्जर्व किया कि एंड्रोमेडा का स्पेक्ट्रम किसी नेबुला की तरह ना होकर स्टार से मिलता जुलता है। इस तरह ये माना जाने लगा कि शायद ये मिल्की वे के अंदर प्रेजेंट कोई स्टार क्लस्टर है। साल 1917 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर हेबर कर्टिस ने एंड्रोमेडा के अंदर एक नोवा को ऑब्जर्व किया। आपको बता दूं कि नोवा उस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को कहते हैं जिसमें एक नए स्टार के जन्म लेने पर बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट एमिट होती है। उनके ऑब्जर्वेशंस के दौरान एंड्रोमेडा में 11 और नोवा देखे गए थे, लेकिन इनकी ब्राइटनेस हमारे आसमान में दिखने वाले दूसरे नोवा से काफी कम थी और इस हिसाब से कर्टिस ने एंड्रोमेडा की पृथ्वी से दूरी 5 लाख लाइट ईयर्स कैलकुलेट की। अब दुनिया भर के वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों के बीच इसको लेकर डिबेट शुरू हो गई कि आखिर ये एंड्रोमेडा है क्या, एक नेबुला या फिर एक स्टार क्लस्टर, और इसकी हमारी धरती से डिस्टेंस कितनी है। इन सवालों का जवाब अभी तक किसी के पास भी नहीं था। साल 1922 में एक एस्टोनियन एस्ट्रोनॉमर एंस्ट जूलियस ओपिक ने एंड्रोमेडा के स्टार्स की वेलोसिटी को कैलकुलेट करके इसकी डिस्टेंस 15 लाख लाइट ईयर्स बताई। मतलब उन्होंने एंड्रोमेडा को मिल्की वे से तो बाहर निकाल दिया था, लेकिन इस डिबेट का फुल एंड फाइनल फैसला साल 1925 में किया एडविन हबल ने। उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि एंड्रोमेडा ना तो कोई नेबुला है और ना ही कोई स्टार क्लस्टर, बल्कि ये तो अपने आप में ही एक पूरी की पूरी गैलेक्सी है और इस तरह इसका मिल्की वे के अंदर होने का तो सवाल भी नहीं उठता। दोस्तों, एंड्रोमेडा गैलेक्सी को अपना नाम इथियोपिया के राजा सेफियस की बेटी एंड्रोमेडा से मिला है, जो ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार राक्षसों का नाश करने वाले पर्सियस की पत्नी थी। एंड्रोमेडा हमारे मिल्की वे की तरह ही एक बार्ड स्पाइरल शेप की गैलेक्सी है। ये गैलेक्सी हमारी धरती से करीब 25 लाख लाइट ईयर्स दूर है, मतलब वहां से लाइट को भी धरती तक पहुंचने में 25 लाख साल लगते हैं। जस्ट इमेजिन कि इसकी डिस्टेंस हमारी धरती से कितनी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये हमारे मिल्की वे के सबसे पास वाली गैलेक्सी है।
आपको बता दूं कि ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी का हिस्सा है और इसे आप बिना किसी टेलीस्कोप के मदद से सिर्फ अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। बट यहाँ कंडीशंस ये है कि जिस जगह आप रहते हैं वहाँ लाइट पोल्यूशन बेहद कम होनी चाहिए। सेकेंडली, आप इसे न्यू मून नाइट यानी कि अमावस्या के रात को ही देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले इसे मिल्की वे का पार्ट ही माना जाता था, लेकिन अगर बात करें आज के ऑब्जर्वेशंस की तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी का टोटल डायामीटर 2.2 लाख लाइट ईयर्स है, जबकि हमारी मिल्की वे सिर्फ 1 लाख लाइट ईयर्स में फैली हुई है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे लोकल ग्रुप की सबसे बड़ी गैलेक्सी है और चार्ल्स मेसियर के द्वारा कैटलॉग किए गए ऑब्जेक्ट्स में सबसे चमकदार भी है। अपने बड़े साइज के बावजूद इसका मास मिल्की वे के बराबर ही माना जाता है। इसका टोटल मास 2.0×10^42 किलोग्राम्स है, जो हमारे सोलर सिस्टम के सूरज से 1,00,000,000,000 गुना ज्यादा है। एक एस्टिमेट के मुताबिक एंड्रोमेडा गैलेक्सी में 1,00,000,000,000 स्टार्स हो सकते हैं, जो मिल्की वे के कंपैरिजन में एटलीस्ट 2 गुने हैं। एक तरफ जहां मिल्की वे की एज 1,350 करोड़ साल मानी जाती है, वहीं एंड्रोमेडा की एस्टिमेटेड एज सिर्फ 1,000 करोड़ साल ही बताई गई है। लेकिन अपने हिस्ट्री में ये कम से कम 14 छोटी गैलेक्सीज को निगल चुकी है। 20 ड्वार्फ गैलेक्सीज और कम से कम 460 ग्लोबुलर स्टार क्लस्टर्स इसकी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में इसको ऑर्बिट करती है। चलिए अब बात करते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी के गैलेक्टिक कोर यानी कि सेंटर की। एंड्रोमेडा गैलेक्सी के सेंटर में हमें 2 रेडिश येलो कलर के पॉइंट्स दिखते हैं, जिनको P1 और P2 नाम दिया गया है। स्क्रीन पर दी गई इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं कि P1 का कंसंट्रेशन P2 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। बट इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी का असल सेंटर P1 नहीं बल्कि P2 है। जी हाँ, इस इमेज में दिख रहे P2 पॉइंट में असल में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जो कुछ स्टार क्लस्टर से घिरा हुआ है, जबकि P1 एक बहुत बड़ा स्टार क्लस्टर है जो P2 के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में इसको ऑर्बिट कर रहा है। ये इमेज साल 1991 में हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा लिया गया था और शुरुआत में ये माना जाता था कि P1 असल में कोई गैलेक्सी का पार्ट है जिसे एंड्रोमेडा ने निगल लिया होगा। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन का हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। और दूसरी बात तो ये है कि अगर ये किसी गैलेक्सी का पार्ट होता तो अभी तक तो ये ब्लैक होल के कारण तबाह हो चुका होता। दोस्तों, वैसे तो हमारी पृथ्वी से 25 लाख लाइट ईयर्स दूर बसे किसी गैलेक्सी में किसी स्टार या सोलर सिस्टम को खोजना ही अपने आप में बहुत चुनौतियों भरा काम है। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि हम इंसानों ने एंड्रोमेडा गैलेक्सी में बसे एक पॉसिबल एक्सोप्लैनेट की खोज कर ली है। साल 1999 में एंड्रोमेडा गैलेक्सी में PA99N2 नाम का एक ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग इवेंट डिटेक्ट किया गया था। ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होता है जिसमें ग्रेविटेशनल लेंस इफेक्ट के कारण हम किसी ब्राइट प्लैनेट या स्टार को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें होता यह है कि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इस मैटर के ग्रेविटेशनल इफेक्ट के कारण सोर्स से आने वाली लाइट ऑब्जर्वर की तरफ बेंड हो जाती है और हम इस लाइट के जरिए किसी छोटे साइज के ऑब्जेक्ट को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। उस समय इसी टेक्निक से एंड्रोमेडा गैलेक्सी में एक एक्सोप्लैनेट को खोजा गया था। ऐसा माना जाता है कि उसका मास जुपिटर से करीब 6.3 टाइम्स ज्यादा है। साल 2009 में भी ऐसे कुछ क्लेम्स किए गए थे, लेकिन फिलहाल तक हमारे पास इस एक्सोप्लैनेट के बारे में खासा इन्फॉर्मेशन नहीं है। दोस्तों, एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ 110 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ रही है। वहीं हमारे सूरज की तरफ ये करीब 300 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ रही है। ऐसे में ये माना जाता है कि अगले 400 से 450 करोड़ सालों में यानी कि 4 to 4.5 billion years में एंड्रोमेडा गैलेक्सी और मिल्की वे गैलेक्सी आपस में टकरा सकते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको इससे होने वाली तबाही की दास्तां सुनाना शुरू करूं, आपको ये जान लेना चाहिए कि एंड्रोमेडा हमारी मिल्की वे की तरफ आने वाली पहली और एकमात्र गैलेक्सी नहीं है, बल्कि कम से कम 100 ऐसी गैलेक्सीज हैं जो मिल्की वे की तरफ आ रहे हैं और फ्यूचर में हमसे टकरा सकती हैं। एंड्रोमेडा और मिल्की वे के टकराने पर क्या होगा, ये बात तो तभी क्लियर होगी जब ये सब असल में हो रहा होगा, लेकिन इसके अलग अलग आउटकम हो सकते हैं। हो सकता है कि ये दोनों गैलेक्सीज आपस में मर्ज होकर एक विशाल इलिप्टिकल या लेंटिकुलर शेप की गैलेक्सी बना ले, मतलब कि दोनों मिलकर एक ही गैलेक्सी बन जाएंगी। और दूसरा आउटकम ये हो सकता है कि इससे बहुत ज्यादा तबाही हो,
ऐसे में हमारे सोलर सिस्टम और हमारी धरती का क्या होगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या पता हम मिल्की वे को छोड़कर एंड्रोमेडा गैलेक्सी में शामिल हो जाए, या फिर हमारा पूरा सोलर सिस्टम ही अलग होकर दूर अंतरिक्ष की सैर पर निकल जाए। कोई नहीं जानता कि आखिर क्या होगा। वैसे आपको एंड्रोमेडा गैलेक्सी की ये सैर कैसी लगी, मजा आया या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करना। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।